बड़ी खबर, बड़ी खबर, सुनिए सुनिए, आ गई है पूर्वांचल में सबके चहेते पवन सिंह से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। मगर ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा। तो सुनिए, खबर ये है कि पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म मेरा भारत महान इस साल के 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, पवन सिंह की फिल्म के चर्चे कब से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। ये पहली ऐसी फिल्म है जो बहुत हाई लेवल के बजट के साथ ना सिर्फ तैयार हुई है बल्कि इसके राइट्स भी बाकी बड़ी भोजपुरी मूवीज के मुकाबले काफी महंगे बिके हैं। ऐसे में ये फिल्म कब रिलीज होगी इसका इंतजार सभी को हो रहा था। और अब आखिरकार उन तमाम फैंस के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है आने वाले 15 अगस्त के दिन। आपको बता दें कि इस फिल्म के बनने की जब से खबर आई है तब से ही ये चर्चा में अपने बजट के अलावा ह्यूज स्टार कास्ट के लेकर भी छाई हुई है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के दो महारथी जो नजर आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मेगा स्टार रवि किशन और पावर स्टार पवन सिंह की। देखा जाए तो किसी फिल्म को हिट करवाने के लिए इन दोनों का नाम ही काफी होता है। इसके अलावा ऑपोजिट स्टार कास्ट में होगी भोजपुरी की हॉट केक कही जाने वाली एक्ट्रेस अंजना सिंह और न्यू फेस गरिमा परिहार, जो कि इस फिल्म से पहले टीवी का चर्चित नाम हुआ करती थी, और एक्ट्रेस मणि भट्टाचार्य। वी प्रांजल फिल्म्स क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी और सत्यजीत रॉय विपुल रॉय द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशक देवेंद्र तिवारी है। यानी इस बार 15 अगस्त दुगनी देशभक्ति की भावना के साथ रंगा हुआ होगा, ये आप तय समझिए। तो क्या आप तैयार है 2021 की सबसे बड़ी रिलीज के लिए? अगर हाँ तो जरूर बताइएगा इस बारे में अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।